हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल क्रेडिबल। आज हम रीवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और इसके सारे के सारे आंसर हम मैप्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैप्स का यूज इसलिए बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ताकि आपको रिवर की ज्योग्राफिक लोकेशन पता चलती रहे, जैसे कि कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, किन किन स्टेट से ट्रेवल कर रही है, ये एक वेस्ट फ्लोइंग है या फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में जा रही है या फिर बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे और काफी सारे क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे और अपने 2 से 4 नंबर पक्के करके ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि मैक्सिमम कंट्रीज में ट्रेवल करती है। तो ऑप्शन हमारे ऑप्शन है रेने, दनोबे, एमेजॉन या व्लोगा। तो इसका आंसर है दनोबे। दनोबे वो कंट्री है जो मैक्सिमम कंट्रीज में से ट्रेवल करती है इन ऑप्शन में से। तो चलिए इसको मैप के जरिए समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ये मार्क कर रखा है रेड लाइन से। तो ये रही आपकी दनोबे, ये रही आपकी दनोबे रिवर। ये दनोबे रिवर आपकी जर्मनी से होते हुए जा रही है ऑस्ट्रिया, स्लोविया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमेनिया, बुल्गेरिया और यहाँ पे टच करती है यूक्रेन को, और उसके बाद जाके ड्रेन हो जाती है आपके ब्लैक सी में। तो ऐसी 9 कंट्रीज में ट्रेवल करती है और फिर चली जाती है कहाँ पे, ब्लैक सी में। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कितने कंट्रीज में ट्रेवल करती है। तो 9 कंट्रीज में ट्रेवल करती है। कौन सी रिवर है, दनोबे, और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सिटी गंगा रिवर पर नहीं बसी हुई है। इनमें से कौन सी सिटी गंगा रिवर पर नहीं बसी हुई है। ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर पटना। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो इसका आंसर है आपका लखनऊ। लखनऊ गंगा रिवर पर नहीं बसा हुआ है जबकि लखनऊ गोमती रिवर के ऊपर बसा हुआ है। तो चलिए जब गंगा रिवर का नाम आई गया तो गंगा रिवर को मैप के जरिए थोड़ा समझ लेते हैं। ये रही आपकी गंगा रिवर, इसको हमने कट करके निकाला गया ताकि आपको ये उत्तर प्रदेश में खाली गंगा रिवर समझ में आए। जैसे आप देख सकते हैं आपकी जो गंगा रिवर है, यहाँ पे मैं मार्क करता हूं, यहां से आपकी गंगा रिवर स्टार्ट हो रही है और बीच में जो भी इंपॉर्टेंट सिटी पड़ेगी हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपका आया क्या, यह है फरुखाबाद, फरुखाबाद पड़ गया आपका सिटी। ये आ गया आपका फतेहगढ़, फतेहगढ़ भी किसी पे, किस पे, गंगा रिवर पर। तो ऐसे मैप्स पढ़ने में काफी ज्यादा फायदा है। जैसे कि कन्नौज, कन्नौज को बताना चाहूंगा सबसे बिगेस्ट सिटी है जो कि गंगा रिवर पर बसी हुई है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन कवर हो गया। कन्नौज नहीं, सॉरी कानपुर है वो सिटी, यस सॉरी फॉर दैट, कानपुर वो सिटी है जो कि सबसे बड़ी सिटी है जो कि गंगा रिवर पर बसी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ यहाँ से कितना दूर है, लखनऊ आपका गोमती रिवर पर बसा हुआ है। आगे चलते हैं और आगे हमारा पड़ता है ऐसे कौन सा शहर है, हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद में तो संगम है यमुना, ये देख सकते हैं आप यहाँ से साइड से यमुना आ रही है, यहाँ पे मिलती है। तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद भी बसा हुआ उसी के ऊपर। आगे चलेंगे तो वाराणसी, मुगल सराय, मिर्जापुर, जैसे आपने सुना होगा मिर्जापुर सीरीज। अब गंगा के बारे में और चीजें जान लेते हैं। जैसे जो गंगा रिवर है उसका ओरिजिन देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में, वहां से होता है। ये भी एक क्वेश्चन ही समझिए आप, देवप्रयाग से होता है जो कि उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड में कैसे इसका ओरिजिन होता है, वहां पे अलकनंदा और भागीरथी जब आके मिलती है तब गंगा रिवर का उत्पत्ति होती है। और सबसे बड़ी सिटी में आपको बता चुका जैसे कानपुर इसके ऊपर बसी हुई है। अभी किन किन स्टेट से ट्रेवल करती है, सबसे पहले उत्तराखंड में निर्माण होता है इसका, तो उत्तराखंड से फिर यूपी में आती है, यूपी से बिहार में आती है, बिहार से फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है। अब जब वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ती है तो ये चली जाती है कहां पे आपका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ये चली जाती है तो इसको वहां पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा रिवर को। चलिए काफी क्वेश्चन डिस्कस हो गए इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे इनमें से कौन सी रिवर को वैदिक पीरियड में, ये भी क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है काफी, कि वैदिक पीरियड में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपके रवि, सतलुज, ब्यास या फिर चेनाब। तो इसका आंसर है रवि रिवर। तो चलिए बाकी ऑप्शंस का भी वैदिक नेम जान लेते हैं। जैसे रवि का तो हमने डिस्कस करा पुरुषनी है, सतलुज का शतद्रुय है, ब्यास का विपाशा, चेनाब का अस्किनी। तो ये भी आपके डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा डैम कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है।
ऑप्शंस है नागार्जुन सागर डैम, टेहरी डैम, भाखरा नांगल डैम, हीराकुंड डैम। हीराकुंड तो आपका महानदी के ऊपर है, टेहरी आपका उत्तराखंड में है। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर है नागा अर्जुन सागर डैम, जो कि कौन सी रिवर पे है, कृष्णा रिवर पर बसा हुआ है। इसको मैप के जरिए इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जान लेते हैं, कौन से स्टेट में है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश का मैप है और ये आपका तेलंगाना का मैप है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बसा हुआ है। जैसे तेलंगाना का जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है नालगोंडा, और जो आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इन दोनों के ऊपर ही बसा हुआ है। कौन सा डैम है, नागार्जुन सागर डैम आपका बसा हुआ है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। और कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर, जैसे ये आपको दिख रही है कृष्णा रिवर, ये आपकी पूरी बाउंड्री बनाती हुई है। और यहीं पे आंध्र प्रदेश में माउथ ऑफ कृष्णा बनाती है कृष्णा रिवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। अब कृष्णा रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कृष्णा रिवर का ओरिजिन है नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है। और महाराष्ट्र से ट्रेवल करते हुए, महाराष्ट्र से ट्रेवल करते हुए ये आपके आती है कर्नाटक में, कर्नाटक स्टेट आ गया आपका। फिर यहां से आ जाती है तेलंगाना में, तेलंगाना से फिर ये बॉर्डर बनाते हुए आंध्र प्रदेश का चली जाती है और ये माउथ ऑफ कृष्णा में बना लेती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ माउथ ऑफ गोदावरी भी यहीं पे बन रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो एक और क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिवर का जो माउथ है, मुंह है, वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा कहते हैं, उसके उत्तरी दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो महानदी, कृष्णा, इंडस या गोदावरी। तो बाकी सारी जो रिवर है इंडस को छोड़ के सब साउथ में, तो साउथ डायरेक्शन में चल जाएंगी। तो ये आपका रिवर है इंडस रिवर है, जो कि कहते हैं नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जा रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो हमारे 8 स्टेट से होकर गुजरती है। इनके नाम जान लेते हैं, जैसे मैप में जितना दिख रहा हूं दिखा देता हूं आपको। गुजरात, फिर आपका राजस्थान, यहां से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका आ गया छत्तीसगढ़, फिर आपका आ गया झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और बात करी जाए अगर इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर आप यहां से देख सकते हैं साफ साफ कि ये इसके नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है इसके। और जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर 3 कंट्रीज में बहती है। कितने कंट्रीज में, 3 कंट्रीज में इंडस रिवर बहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही आपकी इंडस रिवर, यहां से ये आपका चाइना, ये आपका इंडिया और यहां पे पाकिस्तान। तो ये इन 3 कंट्रीज में बहती है हमारी इंडस रिवर, इंडस रिवर बहती है। और इसका अगर ओरिजिन की बात करी जाए, तो इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहां से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। और अगर लेह की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लेह, लेह इसी की बैंक पर बसा हुआ है, राइट साइड ऑफ बैंक ऑफ इंडस पे बसा हुआ कौन, लेह सिटी। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा जो सिटी है वो कौन सी नदी के ऊपर बसी हुई है, महानदी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो ये है आपकी कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के ऊपर बसा हुआ आपका विजयवाड़ा। आप देख सकते हैं ये जूम इन मैप है और यहाँ पे आपका ये रहा विजयवाड़ा। कहां पर है विजयवाड़ा, अगर आपको मैप याद आ रहा हो तो ये मैप है आपका आंध्र प्रदेश का। कहां का मैप है ये, आंध्र प्रदेश का मैप है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इनमें से कौन सी रिवर है जो कि साउथ का एक पिलग्रिम है, मंदिर कह सकते हैं आप, तिरुतनी, उसके बैंक से होकर गुजरती है रिवर, कावेरी, नंदी, वैगई या पल्लर। तो ये आपकी रिवर है नंदी रिवर, नंदी रिवर तिरुतनी जगह से होके गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। जो धुंधर वाटरफॉल है वो जबलपुर के पास में, वो कौन सी रिवर से बनता है या कौन सी रिवर उसको बनाती है। हमारे ऑप्शंस हैं तापी, लूनी, नर्मदा या फिर तुंगभद्रा। तो ये है हमारी नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर बनाती है धुंधर वाटरफॉल को। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी है नर्मदा रिवर और ये रहा आपका जबलपुर। कहां पर है ये सब, मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में। चलिए अब बात करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से वो बहना शुरू करती है और मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए कहां पे जाती है, गल्फ ऑफ खंबट में जाके गिरती है। कहां पे, गल्फ ऑफ खंबट में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागलीहार डैम कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, चिनाब, रावी, सतलुज या फिर इंडस। तो ये कंस्ट्रक्टेड है चिनाब रिवर के ऊपर। अब चिनाब रिवर का नाम आ गया तो आपको ऑफकोर्स पता ही होगा कौन सा स्टेट है, तो ये हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से आपकी चिनाब रिवर ये आपको दिख रही होगी साफ साफ, और यहाँ पे जो आपको एक जगह दिख रही है रंबन, रंबन में ही ये डैम सिचुएटेड है, यहाँ पर कहाँ पर, रंबन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या गंगा। तो ये है आपकी गंगा रिवर, गंगा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। इसकी जो टोटल लेंथ है इंडिया में वो है 2071 किलोमीटर, और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में बहता है जहां पे इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपका उत्तराखंड से होती स्टार्ट होती है गंगा, और उत्तर प्रदेश से बहते हुए फिर बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए चली जाती है कहां पर, आपके बांग्लादेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की कौन सी है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन है येनसेई, अमेजोन, नाइल या यंगतेज। तो इसका आंसर है यंगतेज रिवर। ये कौन से कंट्री की है, ये चाइना कंट्री में बहने वाली रिवर है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। जैसे आप देख सकते हैं यहां से बह रही है, और यंगतेज रिवर यहां पर आपको मेंशन है। और ये देखिए सबसे मेन चीज, जो वुहान सिटी है वो इसी रिवर के बैंक पे बसी हुई है, और यहीं पे कोरोना का माना जाता है कि जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ताजमहल को किस रिवर के किनारे बनाया गया था, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना या फिर तिस्ता। तो ये आपका यमुना रिवर पे बनाया गया था, ये आज सब देख सकते हैं ताजमहल आपका, और इसको बनाया गया था यमुना रिवर के बैंक पर। और ये एरिया, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रही आपकी यमुना रिवर, और ये रहा आपका आगरा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द लेटेस्ट वीडियोस।